पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये तीसरा चैप्टर है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, कक्षा 11 एनसीईआरटी, है ना। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग, मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष परमाणुओं के आधार पर समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न कोई पहुंच सकता है। अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम समझ सकते हैं, है ना। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो पृथ्वी के धरातल पर निर्माण कार्य देखे गए हैं, जिन निर्माण प्रक्रियाएं हुई हैं, वो सब क्या है? भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। मतलब धरातल पर क्या देखते हैं? पर्वत, पठार, नदी, झील, समुद्र, तालाब, है ना, ये सारी चीजें, मरुस्थल और स्थल जो कुछ भी हम देखते हैं, समुद्र भी है, तो वो सब किसका परिणाम है? भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अंतर्जात का मतलब क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, जैसी प्रक्रियाएं, ये अंतर्जात हैं। अंतर्जात जो प्रक्रियाएं होती हैं ये एकाएक उत्पन्न होती हैं, ठीक है, लंबा चौड़ा विनाश भी करती हैं। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना जरूरी है। मतलब किसी भी देश की या क्षेत्र की, प्रदेश की भूआकृति को अगर जानना है तो वहां की भू आकृतिक प्रक्रियाओं को समझना ही होगा, मतलब समझना जरूरी है, ठीक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। पहाड़ में रहने वाले मनुष्य का खान पान, रहन सहन, पहनाव ओढ़ाव, उठना बैठना, उसके बात व्यवहार जो होंगे वो अलग रहेंगे। कोई जो तटीय क्षेत्र में रहेगा, कोई जो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहेगा, मतलब सबके अपने अपने, है ना। तो वही क्षेत्रीय जो भूदृश्य, क्षेत्रीय भूआकृतियां, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में भी जानना जरूरी है। मतलब जो क्षेत्रीय भू आकृति होती है वो मानव जीवन को प्रभावित करती है, और जो क्षेत्रीय भू आकृति है वो खुद वहां पर उत्पन्न होने वाले कारकों से प्रभावित होती है, है ना। पृथ्वी की जो आंतरिक बल कार्य करते हैं, ये समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता, सुनामी लहर कैसे पैदा होती, जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भोपरपटी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। ये जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। ये अध्याय इसी विषय से संबंधित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या होते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, ये प्रश्न पूछा भी गया है, 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए भूगर्भ की संरचना कैसी है, इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। जो कुछ भी हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी है वो कैसी है? परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। मतलब प्रत्यक्ष प्रेक्षण और पदार्थ के विश्लेषण पर। इसके प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने हैं। सबसे आसानी से क्या मिलेगा हमको? धरातलीय चट्टाने सबसे आसानी से उपलब्ध होती है ये हमें, अथवा वह चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खाने 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वो कौन से? एक तो है गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पर, और दूसरा क्या है? समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, इंटीग्रेटेड
ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दो योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। सबसे गहरा प्रवेदन कहाँ हुआ है? तो सबसे गहरा प्रवेदन हुआ है, ड्रिल हुआ है आर्कटिक महासागर में, कोला एक कोई जगह है वहां पर हुआ, 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी मिलती है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी के एक अन्य स्रोत है, यह भी एक प्रत्यक्ष स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। तब इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष स्रोत है और जो ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं इनके माध्यम से भी प्रत्यक्ष स्रोत की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अब प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी। मतलब पदार्थों के गुणधर्म का अगर विश्लेषण किया जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी मिल सकती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान दबाव में वृद्धि होती है ना? पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। और यही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। तापमान दबाव और घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। किसको ध्यान में रखते हुए? पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए। प्रत्येक परत के संदर्भ में लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष, पहला अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हुआ? पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण। दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हुआ? उल्का, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, उल्काएं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं, हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। जो उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं मिलते हैं, लेकिन उल्काओं से पदार्थ प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती जरूर है। मतलब यहाँ पे जो उल्काओं के पदार्थ होते हैं विश्लेषण के लिए जो उपलब्ध पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तो नहीं मिलते, लेकिन जो उल्का से प्राप्त पदार्थ होते हैं ना उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती जरूर होती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह बना हुआ, हमारा ग्रह मतलब पृथ्वी। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में देखें तो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं, ये सब भी शामिल हैं किसमें? अप्रत्यक्ष स्रोत में। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं रहता है। सभी अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है, बात समझे? तो ये मत भूल जाना, मतलब ये मत याद रखना कि सभी अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान ही होता है ना, तो सभी अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है, ये पूछा गया पेपर में। ठीक है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, भूमध्य रेखा पर कम होगा। पृथ्वी की केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर ज्यादा होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर कम इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण मतलब क्या हुआ? पृथ्वी ध्रुवों पर ऐसे चिपटी हुई है ना, ऐसे चिपटी हुई है ना, ऐसे दोनों ध्रुवों पर ऐसे ना चिपटी हुई है, है? यस सर। ठीक है, और फिर ऐसे है, हम इसको अगर केंद्र मान लें तो इनकी दूरी ज्यादा है कि इनकी दूरी ज्यादा है?
सेम अरे तुम्हें सेम सेम कैसे दिख रही है? नहीं ज्यादा होगा सर, ध्रुवों नहीं की नीचे दूरी, बन केंद्र ज्यादा है। से ध्रुवों की दूरी कम है, भूमध्य रेखा की दूरी अधिक यस है, तो दूरी भूमध्य रेखा की अधिक है केंद्र से, इसलिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। और क्या क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य पर सर ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण, यस समझ गए? हाँ, ग्रेविटी ज्यादा है सर ध्रुव पर। दूरी कम और दूरी अधिक। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। जो गुरुत्व का मान होता है वो पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। मतलब पृथ्वी के भीतर जो पदार्थों का असमान वितरण है, असमान वितरण का मतलब किसी की अधिकता है तो किसी की कमी है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पे आप गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को भी देख सकते हैं। वही क्या है, वही होती है गुरुत्व विसंगति, ठीक है। ये बात भी याद रखें, गुरुत्व विसंगति हमें भूपरपटी पर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। जो गुरुत्व विसंगति, अभी जैसे जो हमने कागज और एक लोहे के पिंड का वो लिया था उदाहरण, अब इन दोनों के जो में जो गुरुत्व विसंगति देखने को मिल रही है वो क्या बता रही है, उसके द्रव्यमान के बारे में ही ना बता रही है। फिर चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपरपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। जो चुंबकीय सर्वेक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, भूपरपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत, अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भूकंप की बात करें, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की यांत्रिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। भूकंप की बात करें तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का मतलब है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ये देख सकते हैं, पी तरंग है, एस तरंग है, ये धरातलीय तरंग है ना। ये तीन तरंगे होती हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। जो भ्रंश होते हैं ना उनके किनारे किनारे ही उस ऊर्जा निकलती है। भूपरपटी की शैलों में गहन दरारें ही होती हैं भ्रंश। जो भूपरपटी की शैलों में दरारें पड़ जाते हैं उन्हीं को भ्रंश कहा जाता है, और भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती, जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती, ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे भूकंप का उद्गम केंद्र बोलते हैं, फोकस कहा जाता है, ठीक है। इसे अवकेंद्र, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपोसेंटर भी कहते हैं, उद्गम केंद्र भी बोलते हैं, अवकेंद्र भी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, है ना। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र जो होता है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, मतलब 90 डिग्री के कोण पर होता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों की बात करेंगे, भूकंपीय तरंग की बात करें, भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती भाई? पी, एस और एल। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, ये बात तो याद रखनी चाहिए। इसी अध्याय में आप आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थल मंडल कितना गहरा है? तो पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। भूकंप मापी यंत्र जिसको सीस्मोग्राफ बोला जाता है, याद रखना इसे,
सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है, भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है बॉडी वेव जिसको भूगर्भीय तरंग कहा जाता है और दूसरी होती है धरातलीय तरंग जिसको सरफेस वेव्स कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। जो भूकंपीय भूगर्भिक तरंगे होती हैं, मतलब जो आंतरिक भागों में उत्पन्न हो रही हैं, वो उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। कैसे? उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंग बोलते हैं। भूगर्भिक तरंगों तथा धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती जिनको बोलते हैं धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो भूगर्भीय तरंग और धरातलीय शैलों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रिया। भूगर्भीय तरंग और धरातलीय शैलों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या है? धरातलीय तरंग के उत्पन्न होने का कारण है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित तो होता रहता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होगा, मतलब घनत्व और तरंगों के वेग का कैसा अनुपात है भाई? अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? अनुकूलित संबंध है या प्रतिकूल संबंध है? अनुकूलन होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, अनुकूलनीय संबंध होगा, क्योंकि घनत्व जितना अधिक होगा तरंग का वेग उतना ही ज्यादा होगा, है ना? यस सर। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता रहता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता जो होती है उसकी वजह से क्या होता है? उसी की वजह से परावर्तन भी और आवर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंग भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की तरंगें हैं भूगर्भीय? एक है पी और दूसरी है एस, मतलब प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, है ना? प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली होती हैं। पी तरंग कैसी होती है? तीव्र गति से चलती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इन्हें प्राथमिक तरंग बोलते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंग जैसी होती हैं, ये भी याद रखना, ये सब पी तरंग हैं, ठीक है भाई? ये जो होती है ये तरल ठोस गैस तीनों में चलती हैं। जो पी तरंगे हैं वो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। अब बात करें एस तरंगों की, तो धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं एस तरंगे, मतलब द्वितीयक तरंगे, ठीक है? इनको द्वितीयक बोला जाता है। इसके विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, ये सिर्फ केवल ठोस पदार्थ के ही माध्यम से चलती है, केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती है। एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता यह है, इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। मतलब जहां पर गैसीय क्षेत्र होगा, जहां पर तरल क्षेत्र होगा, वहां पर एस तरंग नहीं चल पाएगी। बात सही है? ध्यान रखना, परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। परावर्तन जब होता है तो क्या होता है? तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं, लेकिन आवर्तन जब होता है तो तरंगे कई दिशाओं में चलती। हाँ बोलिए। रिफ्लेक्शन सर कब होगा? कोई टार्च जब मारो ना कहीं, शीशा उसे कभी टार्च मारे हैं बचपना में बदमाशी करने के लिए? यस। तो उसका टार्च जैसे पड़ती थी ना शीशा पर रोशनी, और रोशनी लौट के आपके आंख पे आ जाती थी, चमकने लगती थी आंख। किसी वस्तु को देखते हैं वो रिफ्लेक्शन है, किसी वस्तु, ठीक है? शीशे में जो आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं, पहले आपके चेहरे का प्रतिबिंब जो शीशे पे बनता है तो वो तो ठीक है, लेकिन उस शीशे पर से फिर लौट के वापस आपकी तरफ आता है, तब आप अपना चेहरा शीशे में देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं, ठीक है? अगर रिफ्रैक्शन होगा जैसे किसी दीवाल में से खड़े खड़े आप अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं सर, नहीं देख सकते, ठीक है? परावर्तन है, परावर्तन में तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस आती हैं, लेकिन आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में बदल जाती हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए भूकंप लेखी पर बने आलेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। जो भूकंप लेखी पर बने आरेख होते हैं उनसे किनका
अनुमान लगाया जाता है? तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान, मतलब तरंगे किस किस दिशा से होकर चल रही हैं। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। भूकंप लेखी पर सबसे अंत में कौन सी तरंगे अभिलेखित होंगी? तो धरातलीय तरंगे होंगी। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती, जो एल तरंग होती, धरातलीय तरंग को क्या बोलते हैं? एल वेव्स कहते हैं इसको, एल वेव्स बोलते हैं, लव वेव्स बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है, ठीक ना, लव वेव का विनाशकारी होती है धरातलीय तरंग। इनसे शैल विस्थापित हो जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। जो प्राथमिक तरंग है, जो प्राथमिक तरंग होती है, ये कैसी होती? ध्वनि तरंग है। इसे अनुदैर्घ्य भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे तीव्र होती है ये, सर्वाधिक तीव्र होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है, चट्टानों की सघनता पर निर्भर करेगी, सघनता पर आधारित होगा। मतलब जहां पर चट्टानों की सघनता अधिक होगी वहां पर इसकी स्पीड भी अधिक होगी, जहां पर चट्टानों की सघनता कम होगी वहां पर स्पीड भी कम होगी, यही ना। ये तीनों ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था से गुजरती है, ठोस द्रव गैस तीनों से होकर गुजरती है। दूसरी होती है यश तरंग। यश क्या करती भाई? जिसको द्वितीयक तरंग बोलते हैं, गौड़ तरंग बोलते हैं, अच्छा पी को प्राथमिक तरंग बोलते हैं, प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं, प्रधान तरंग भी कहते हैं, प्रधान तरंग भी है ये पी वाली। एस वाली को गौड़ बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। इसमें क्या है? ये प्रकाश तरंग के समान है, प्रकाश तरंग जैसी है ये, ठीक है। पहली चीज याद रखना, ये आड़ी होती है, अनुप्रस्थ होती है। इसके अलावा पी के बाद आती है, ये हमने पढ़ी लिया है। इसकी गति की बात करें तो पी के मामले में अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। किसमें नहीं चलती है? गैस और तरल दोनों में नहीं चलती है, ठीक है। अब आएगी अपनी एल तरंग। एल तरंग की बात करें, मिटा दें इसे, इसको। एल तरंग क्या होती है फिर? एल तरंग की अगर बात करें तो ये धरातलीय तरंग है, लव तरंग है, है ना। पी और एस के मामले में अगर देखा जाएगा तो कम वेगवान है ये, कम वेगवान होती है। दूसरी चीज, इसका जो भ्रमण पथ होता है, इसका भ्रमण पथ जो होता है वो धरातलीय भाग होता है, ठीक है। भ्रमण पथ का मतलब? भ्रमण पथ इसका क्या है? धरातलीय भाग है भाई, याद रखना। ये पी पी और एस की अपेक्षा अधिक भाग तय करती है, अधिक मार्ग तय करती है, अधिक मार्ग तय करती है। और सभी तो बताए ही हैं, सबसे अधिक विनाशकारी भी यही होती है, है ना। सबसे अधिक विनाशकारी ये होती है भाई, है ना। यस सर। और जो भूकंप की तीव्रता होती है ना, ठीक है, अच्छा, जो भूकंप की तीव्रता होती है ना, भूकंप की तीव्रता ये क्या होती है? विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है, विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। कहने का मतलब है कितनी ऊर्जा निकली होगी उसको बताता है इसका वेग। अगर बहुत धीम हो, थोड़ा धीमी गति होगी, धीमी गति का मतलब एरिया कितना कवर कर रही है, ठीक है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिएक्टर स्केल से। तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल। हाँ, तीव्रता का मापन होता है रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल, जिसको हम मर्केली स्केल भी बोलते हैं, मर्केली स्केल भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना। और ये जो रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल है, ये लघुगणकीय, अरे लघु
गणकीय पैमाने पर आधारित होता है, पैमाने पर आधारित होता है। इसमें देखेंगे तो एक से दस तक गिनती लिखी होती है, एक से दस तक इसमें अंक लिखे होते हैं। प्रत्येक अंक पर अगर देखेंगे, प्रत्येक अंक पर कितना, प्रत्येक अंक पर सीस्मोग्राफ, प्रत्येक अंक पर देखेंगे तो 10 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है सीस्मोग्राफ पर, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक अंक सीस्मोग्राफ पर 10 गुना ज्यादा अपनी, मतलब 10 गुना ज्यादा आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मतलब एक पे आया तो मतलब समझ लो कि 10 गुना ज्यादा है, है ना, ये मतलब इसका। तो रिक्टर स्केल पर एक लघुकणीय से लिखें कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, एक अंक के तीव्रता पर 32 गुना अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, विमुक्त होती है। तरंगों का संचरण पूछने वाले थे कि सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंग पहुंचती है, तरंग याद रखना, ठीक है। अच्छा, ध्वनि तरंग के समान कौन सी होती है, ध्वनि उत्सर्जन करती है। ओके, और एक होती प्रकाश तरंग की तरह होती है, एक तरंग होती है अनुप्रस्थ होती है सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा याद रखना, अनुप्रस्थ कौन सी है, अनुदैर्ध्य कौन सी, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगों का संचरण की बात करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भी भिन्न भिन्न होती है, पी की अपनी है, एल और एल की भी अपनी है। जैसे ये संचरित होती तो शैलों में कंपन होती है, शैलों में कंपन कब होगी, जब तरंगे संचरित होती हैं, ठीक है। या ऐसे मत सोच लेना कि शैलों में कंपन होने की वजह से तरंगों में संचलन होता है, नहीं, तरंगों में संचलन होता है इसलिए शैलों में कंपन होने लगता है, बात ठीक है ना। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है, तो पी तरंगों से कंपन की दिशा जो होती है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, ये बात याद रखने की जरूरत है हमको। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती, मतलब जिस गति, जो जिस दिशा में संचरण होता है पी तरंग का, उसी दिशा में वो पदार्थों पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, जब दबाव पड़ता है तो पदार्थ के घनत्व में भी अंतर आता है और शैलों में संकुचन तथा फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। पी तरंग की बात है, पी तरंग के दबाव के चलते पदार्थ के घनत्व में अंतर आता है, घनत्व में अंतर आने की वजह से शैलों में संकुचन भी होता है, फैलाव भी होता है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। अन्य जो तरंगे हैं वो कैसी होती, संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। वहीं पर पी का क्या मतलब था, जिस दिशा में गति करती उसी दिशा में दबाव डालती है, कंपन पैदा कराती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बनाती है। मतलब इस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरेंगी वहां पे क्या मिलेगा, उभार मिलेगा और गर्त मिलेगा, मतलब ऐसे करके, ये उभार है ये गर्त है, ठीक है, विसर्ग की तरह। हाँ, धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं, ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। छाया क्षेत्र का उद्भव, भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित तो होती हैं सिस्मोग्राफ। यदि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। मतलब भूकंपीय छाया क्षेत्र कहाँ है, कोई भी भूकंपीय तरंग, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं हो पाती है, उसी को छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग होता है, ये बात याद रखने की है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र जो होता है वो दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। 3.2 आ और ब में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया और ये देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप
अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं 105 डिग्री के भीतर में। भूकंप लेके अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, मतलब 105 तक 105 के अंदर में जब देखेंगे तो पी और एस दोनों नजर आएंगे, लेकिन 145 से जब परे जाते हैं भूकंप अधिकेंद्र से, जब हम 145 डिग्री से भी परे मतलब बाहर जाते हैं तो वहां पर क्या दिखता है, तो सिर्फ पी तरंग के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। यहां पर हम ये देख सकते हैं ठीक है, और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते 145 के बाद। अतः वैज्ञानिकों को मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है, दोनों में ये चीज नजर आ रही है। इसमें भी देख लो 105 के बाद का एरिया छाया क्षेत्र में आ जाता है, और इसके इसमें भी 105 के बाद का एरिया जो आपको दिख रहा है 105 से 145 के बीच में, ये वाला क्या है, छाया क्षेत्र में आ रहा है ठीक है ना। 105 के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती, 105 से परे नहीं पहुंच पाती हैं ये, और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, ये हमने यहीं पर देख लिया। ज्यादा लंबा एरिया किसका है, छाया क्षेत्र में एस का, और पी का इससे कम है ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है, बैंड के रूप में नजर आता है। जो पी का छाया क्षेत्र है वो एक बैंड पट्टी के रूप में नजर आता है पृथ्वी के चारों तरफ। एस तरंगों का छाया क्षेत्र देखें तो ना केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी के 40% से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ संख्या 28 में दिया गया है। भूकंप के प्रकार, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं भाई, एक तो सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं, जो विवर्तनिक भूकंप होते हैं टेक्टोनिक भूकंप होते हैं वो अधिकतर आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन से, जो टेक्टोनिक होते हैं, टेक्टोनिक भूकंप होते हैं, विवर्तनिक भूकंप होते हैं वो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा कौन सा प्रकार है, दूसरा प्रकार है एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। वो कौन सा विशिष्ट वर्ग का विवर्तनिक भूकंप होता है भाई, एक तो नॉर्मल हुआ कि प्लेटों के संचलन की वजह से, मतलब विवर्तनिक भूकंप जो भ्रंश तल के किनारे पर उत्पन्न हो रहे हैं, किनारे जब सरक जाते हैं चट्टान तब ये हो जाता है। दूसरा क्या है कि विशेष जो ज्वालामुखी जन्य होते हैं जिसमें ये वाली स्थिति है ठीक है, ऐसे ऐसे तभी ना ज्वालामुखी उत्पन्न होगा। ये भूकंप ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, जो ज्वालामुखी जन्य है वो ज्यादातर कहां रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा भूकंप कौन सा है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हें नियात भूकंप कहते हैं, कोलैप्स। तो नियात भूकंप क्या है वो आपको ध्यान रखना, किससे उत्पन्न होता पता होना चाहिए। कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है, इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं, एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। चौथा हो गया, पांचवा क्या है, बाघ बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं, बांध जनित भूकंप होते हैं वो, जहां पर बांध वाध बने होते हैं वहां पर भूकंप आ जाते हैं, उसको बांध जनित बोला जाता है। एक तो विवर्तनिक हुआ, दूसरा ज्वालामुखी जन्य हुआ, तीसरा नियात हुआ, चौथा क्या हुआ, रासायनिक विस्फोट वाला जो भूकंप, भूकंप विस्फोट वाला भूकंप है, चौथा आपका बांध जनित भूकंप हो गया। पांचवा, ये पांच प्रकार के हो गए भूकंप आपके। भूकंपों की माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन, भूकंप की माप क्या है, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपों की भूकंपीय घटना का मापन कैसे होता है, भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या फिर आघात की तीव्रता के आधार पर। भूकंपीय तीव्रता की मापनी होती है रिक्टर स्केल, याद रखो कल पढ़े थे रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इसी को मर्केली स्केल भी बोलते हैं। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, जो भूकंपीय तीव्रता होती है भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है, 0 से 10 तक कल बताए थे। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है, इसलिए इसको मर्केली स्केल भी कहा जाता है ठीक है ना।
आघात की तीव्रता या गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है, और इस रिक्टर स्केल को, रिक्टर स्केल को हम मर्केली स्केल भी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ क्या है सर, जिससे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? सिस्मोग्राफ क्या है? यंत्र है, भूकंप क्या है, स्केल है, पैमाना है, यह झटकों से प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इनकी गहनता 1 से 12 तक होती है। हमने कल आपको बताया भी था 0 से 10 तक इनकी तीव्रता होती है, भूकंप की तीव्रता को 0 से 10 के बीच में मापा जाता है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर 1 की तीव्रता अगर है, 1 का मापन है, तो वो सीस्मोग्राफ पर 10 गुना अधिक गति को प्रदर्शित करता है ना। लेकिन रिक्टर स्केल पर 1 का मापन, 1 का मापन 32 गुना ऊर्जा को विमुक्त करता है। एक लघुगणकीय पैमाना है ना जी सर। चल, भूकंप के प्रभाव, भूमि सॉरी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। कैसे कैसे भूकंप क्या क्या प्रभाव पड़ता है देखो, तो मशीन का ट्रांसलेट कर, तो भूमि का हिलना, भूमि का हिलना पहला प्रभाव है। धरातलीय विसंगति उत्पन्न होती है दूसरा है। तीसरा भूस्खलन, पंखिस्खलन भी होता है, इसमें मृदा का द्रवण भी हो जाता है, सॉयल लिक्विफैक्शन होता है, धरातल का एक तरफ झुकना, एक तरफ झुक भी जाता है धरातल, हिमस्खलन होता है, धरातलीय विस्थापन भी हो जाता है, इधर का उधर चला जाता है, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ भी आ जाती, आग लग जाती, इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, ये भी होता है भाई, वस्तुओं का गिरना, सुनामी आ जाती है। देखो सुनामी जो है वो भूकंप का परिणाम है, लेकिन भूकंप का परिणाम ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना, बल्कि भूकंप खुद में परिणाम है ज्वालामुखी का। आगे चलते हैं। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है। पहला 6 प्रभाव कौन कौन सा है? भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल झुकना, हिमस्खलन। इतनी सारी चीजें, यहां तक की सारी चीजें हम क्या देखते हैं, ये आपको स्थल रूपों पर देख सकते हैं, हम लोग इन सबको हम उस स्थल रूप पर देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो है उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। मतलब 6 के बाद जितने प्रभाव देख रहे हैं उनको, उनके प्रभावों को अगर समझना है तो वहां पे होने वाले जान माल की जो हानि है उससे समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत के जो 6 प्रभाव हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्थल रूपों पर देखा जाता है। सुनामी, सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर होता हो। याद रखना, सभी भूकंपों का प्रभाव सुनामी नहीं हो सकता है, उसी भूकंप का प्रभाव सुनामी हो सकता है जिसका अधिकेंद्र कहां होगा, अधिस्थल कहां होगा, समुद्र में होगा, जिसका अधिकेंद्र कहां होगा, समुद्र में होगा। भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक, भूकंप की तीव्रता अधिक हो और भूकंप का अधिकेंद्र भी कहां, समुद्र स्थल पर हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें होती हैं, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए कि सुनामी किसी कोई भूकंप है, सुनामी भूकंप नहीं है, सुनामी बल्कि क्या होती है, एक समुद्री लहर होती है जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। मतलब भूकंपीय तरंग का परिणाम है सुनामी भले, ठीक है ना। यदि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होंगे, ठीक है। भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप तीव्र भूकंप के झटकों से जनधन की हानि अधिक होती, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होते हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब है कि भ्रंश के समीप जो क्षेत्र पड़ता है वहीं पर सबसे ज्यादा तीव्रता होती है भूकंप की। भूकंप की तीव्रता हर जगह समान नहीं होती है, बात क्लियर रखना, है ना। पास वाले एरिया में सबसे ज्यादा तीव्रता होगी और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसकी तीव्रता कम होती चली जाती है। प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 या 2 वर्ष साल में एक बार आती है। जो 8 से अधिक की तीव्रता वाला है रिक्टर स्केल पर वो बहुत कम आता है, कभी कभार आ जाए 1 साल 2 साल में एक आध बार, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की रचना, संरचना की बात करें, भूपर्पटी क्रस्ट जिसको बोलते हैं, ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग बहुत भंगुर है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है, यह अपने जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों, महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई जो होती है, महासागरों में भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागर पे भूपर्पटी की मोटाई, मतलब भूपर्पटी पतली होती है, धरातलीय क्षेत्र में मोटी होती है, ठीक है।
याद रखना, महासागरों के नीचे इसकी औसत ऊंचाई मोटाई होती 5 किलोमीटर, महाद्वीपों में कितनी होती 30 किलोमीटर तक, मोटाई की बात है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक हो जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। ये है, आप देख सकते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी कितनी मोटी है, ये 0 से 100 किलोमीटर तक मोटी है, ठीक है। फिर आता है दुर्बलता मंडल। अब ये देखो, यहां से इन्होंने यहां तक का एरिया बताया है, स्थल मंडल है भूपर्पटी और ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल, भूपर्पटी और ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल मिलकर क्या करते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, जो कितना है यहां तक आप देख रहे हैं, मतलब दुर्बलता मंडल के ठीक ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा स्थल मंडल में आता है। उसके नीचे शुरू होता है मेंटल, मेंटल फिलहाल यहीं से है, परपटी भूपर्पटी के नीचे वाला ही है मेंटल, जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक है ये मेंटल है। ये इसकी गहराई कितनी है, मोटाई कितनी है, 100 से 2900 किलोमीटर गहरा है, 2900 से 5100 किलोमीटर। इसमें जो ये है, ये वाला हिस्सा क्रोड का है, ये द्रव अवस्था में है, जबकि ये वाला हिस्सा कैसा है, ठोस अवस्था में है। ऐसा क्यों है भाई, भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेंटल होता है, भूपर्पटी के नीचे वाला भाग है, मोहो असान तत्व से शुरू होकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर होता है। मोहो असान तत्व क्या है फिर, मोहो असान तत्व जहां पर भूपर्पटी खत्म हो रही है और मेंटल की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये होगा मोह असान तत्व, बस समझे, याद रखना। तो मोह असान तत्व से शुरू होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनो, एस्थेनो का मतलब है दुर्बलता। इसका विस्तार है 400 किलोमीटर तक, जो एस्थेनोस्फीयर है वो लगभग 400 किलोमीटर मोटा। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, हमने बताया था ना, चट्टाने चट्टाने घूमकर जब एक दूसरे में जाती हैं तो वो दुर्बलता मंडल में ही पहुंचकर क्या करती, पिघलन बिंदु शुरू हो जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा उत्पन्न होता धरातल पर आता है वो दुर्बलता मतलब वीकनेस होता है ना, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर, जो स्थल मंडल है इसकी मोटाई कितनी है, 10 से 200 किलोमीटर। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, निचले मेंटल का विस्तार कहां तक है, दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद तक, मतलब ये ठोस अवस्था में है भाई। आते हैं अपने क्रोड पे, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, क्रोड और मेंटल की जो सीमा है, मतलब क्रोड और मेंटल जहां पे मिल रहे हैं वो 2900 किलोमीटर गहरा है। बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड कैसा है, तरल अवस्था में है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थ, निकल और लोहा का बना है, इसे निफे बोलते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप की बात करिए, ज्वालामुखी आपने अनेक बार ज्वालामुखी चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी एक ऐसा स्थान जहां से निकलकर क्या निकलती, गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा, मतलब थोड़ी दिन कुछ समय पहले आया हो या अभी भी आ रहा हो तो वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह होता है मैग्मा। अंदर में जब तक है तब तक वो मैग्मा रहेगा, मेंटल के जब तक ऊपरी भाग में स्थित है तब तक वो मैग्मा है, लेकिन धरातल पर आने के बाद वो कैसा क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता तो उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलवा, जल खंडाश्मि जिसको बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैस, गैस कौन कौन सी, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन भी, हाइड्रोजन भी, आर्गन भी शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी हैं जैसे शील्ड, शील्ड ज्वालामुखी क्या होती है, प्रश्न
क्या? तो बेसाल्ट के अलावा शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे विशाल होती है, और हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं वो शील्ड ज्वालामुखी के ही उदाहरण है। ठीक है, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं। बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं। कौन? बेसाल्ट। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, जब उद्गार होता तो लावा बहुत तरल ही होगा, इसी कारण ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना भी इनकी विशेषता होती है। जो शील्ड ज्वालामुखी है, जब इनके अंदर पानी किसी निकास नलिका के माध्यम से अंदर चला जाता है, तब इसमें ज्यादा तीव्रता के साथ, अधिक ताकत के साथ विस्फोट होने लगता है, नहीं तो इन ये कम विस्फोटक भी होते हैं। ठीक है, अधिक विस्फोटक होने का कारण है जब पानी भीतर चला जाए, नहीं तो ये कम विस्फोटक भी होते हैं, भाई याद रखना। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिडर शंकु के रूप में विकसित होता है। सिडर शंकु कहां बनेगा आपको? शील्ड ज्वालामुखी में, है ना। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होते हैं? इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट के अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान लावा द्रव, श्यान मतलब गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। मतलब मिश्रित ज्वालामुखी में अधिक ठंडा और श्यान गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है, याद रखना। बेसाल्ट की अपेक्षा, बेसाल्ट मतलब ज्यादा पतला होता होगा, ये वाला थोड़ा मोटा रहेगा। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। ये कैसे होते हैं? भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में क्या आते हैं? लावा तो आता ही है, लावा के साथ साथ जल खंडाश्मी भी पदार्थ, राख भी धरातल पर पहुंचती है। मिश्रित ज्वालामुखी में ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते भी हैं। एक आता है ज्वालामुखी कुंड देखेंगे। ये क्या है? ये पृथ्वी पर पाए जाने सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं। सबसे अधिक विस्फोटक क्या है? ज्वालामुखी कुंड। आमतौर पर इतने विस्फोटक कि जब इनमें विस्फोट होता तब ये वह ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते, धंसे हुए विध्वंस गर्त ही क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी खंड कहलाते हैं, कुंड कहलाते हैं, सॉरी। ठीक है ना। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार ना केवल विशाल हैं, वरन इनके बहुत पास में है। जो लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार हैं वो इनके पास विशाल मात्रा में तो हैं ही, और इनके पास भी हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी जो होती मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है, ये याद रखने की जरूरत है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। मतलब लावा प्रवाह क्रम से होता है, प्रवाह भी इनका कैसा 50 मीटर से भी अधिक होता है। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चला जाता है, मतलब 50 मीटर से 100 किलोमीटर तक। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, ये बृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। कौन सा? हमारा जो दक्कन ट्रैप का हिस्सा। ऐसा विश्वास है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। फिर आता मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। अगले अध्याय में इसे विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां भी हैं, अंतर्वेदी आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है, या धरातल तक पहुंचने से पहले ही धरातल भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। अब आग्नेय शैल का वर्गीकरण लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर, तो ज्वालामुखी शैल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी शैल है, और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। धरातल के नीचे जम गया तो पातालीय शैल हुआ, ऊपर आके जम गया ज्वालामुखी शैल हुआ। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां क्या कहलाती हैं? अंतर्वेदी। इनमें हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऊपर वाले हिस्सा में क्या क्या दिख रहा है? लावा मेसा, सिंदर शंकु, है ना, सिंदर शंकु, लावा पठार, बाढ़ वृत्त, ज्वालामुखी डोम, गुंबद जिसको बोलते हैं, भस्म शंकु, विकिरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ग्रीवा, सिंदर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बैथोलिथ, और यहाँ पे बाकी देख सकते हैं सिल देखिए आंतरिक क्षेत्र में, स्कंद, महास्कंद, ज्वाला नलिका, अपर्दित लैकोलित, है ना। स्कंद क्या है? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दोनों प्रकार के हैं। बैथोलिथ क्या होता है?
यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होता है और ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं, इन्हें बैथोलिथ बोलते हैं, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग होते हैं। ठीक है, मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं, ग्रेनाइट से बने होते हैं, अधिक गहराई में होते हैं भूपर्पटी। क्लियर। लैकोलिथ, यह गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेधी चट्टान है। गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेधी, इसका तल समतल एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति भी धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। मतलब जैसे हम ऊपर मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद देखते हैं ना, वैसे ही होते हैं लैकोलिथ। अंतर सिर्फ ये है कि ये अंदर में पाए जाते हैं जबकि गुंबद आपको बाहर नजर आएंगे। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं कर्नाटक के पठार में। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी हैं और धरातल पर देखी जाती है। ये लैकोलिथ बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। फिर लैकोलिथ फैकोलिथ सिल, अब ये क्या है? ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहां यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के रूप में, तस्तरी के आकार में जम जाए तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ मतलब तस्तरी के आकार में जमा हुआ। कई बार अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अभिनति के तल में लावा का जमा पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जिसे बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है ना, अपनति के ऊपर और अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ठीक है ना, परतनुमा लहरदार चट्टान होती है, एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है, उसको हम फैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। सिल नहीं जानते ना, घर में जो मसाला पीसने वाली सिल होती है ना, लोहड़ी स्लॉट। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इनको बांटते हैं। कम मोटाई वाले जमाव को बोलते हैं सीट, घने मोटाई वाले जमाव को बोलते हैं सिल। घना जमाव का है तो वो सिल है, कम जमाव का है तो, कम मोटाई का है तो उसको सीट बोलेंगे। डाइक क्या होता है? लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। ठीक है, दीवार की तरह यही संरचना होती है डाइक की। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ठीक है,